नमस्कार, मैं माला चटर्जी .com से आपकी स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन मसाला। मटन मसाला बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन लिए हैं। अब इसे मैरिनेशन करके रखना है। मैरिनेशन के लिए मुझे 500 ग्राम मटन, मुझे पहले सॉल्ट देना है, हाफ टी स्पून सॉल्ट दिया मैंने, दो बार देना है सॉल्ट, तो मैं हाफ टी स्पून दे रही हूँ। हाफ टी स्पून धनिया, हल्दी, दही 3 चम्मच मैंने दही दिया, धनिया और पुदीना दोनों का पत्ता पड़ता है, लेकिन मुझे पास पुदीना पत्ता नहीं है और धनिया पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला, मैंने खड़ा गरम मसाला दे रही हूँ। इसका मैरिनेशन करके, ये खट्टा दही है, ये मैरिनेशन करके अभी छोड़ देना है। ये मैरिनेशन करें, मुझे छोड़ देना है। अब मैं मसाला बनाऊंगी। मसाला के लिए, ये मसाले के लिए 6-7 लाल खड़े मिर्च, 50 सूखे खड़े मिर्च, 6-7 खड़े मिर्च, जिंजर, गार्लिक। अब मुझे इसे मसाला पीसना है। 1 टेबल स्पून खसखस, 1 मसाला मुझे तैयार करना है। तीन मीडियम साइज के प्याज देने हैं मुझे। ये देखिए 3। तीन मीडियम साइज के प्याज देने, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा जल्दी। देखिए लाल हो चुका है, ब्राउन होने से चला है। हम उसे मसाले दे देना है।
मसाले मैंने किए थे, लहसुन और अदरक और खसखस का पेस्ट, मिर्ची, खड़ी मिर्ची उसका पेस्ट मुझे दे देना है। मुझे मटन, ये मटन छोड़ देना है, ये मटन छोड़ देना है। जरा भुनना है अभी, इसे मुझे भुनना है अभी, ये धीमी आंच में जरा भुनना है, ये कवर करना है अभी। ये देखिए मेरा मटन तैयार है, तेल अलग हो गया है, ये तेल अलग हो गया, सेपरेट हो गया है, ये तेल सेपरेट हो गया है, ये देख लीजिए तेल सेपरेट हो गया है। अब मैं एक कप पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं कवर कर दूंगी, ये देखिए मेरा मटन मसाला तैयार है, ये देखिए मेरा मटन मसाला तैयार है। अब मैं सर्व करूंगी। मसाला तैयार है,
मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। ये खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव माला चटर्जी किचन में शेयर कीजिए, आप घर में ट्राई कीजिए। धन्यवाद।